नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और किताब खाना नाम का एक मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। उस चैनल पर मैंने बाबा साहब ने जो किताब लिखी है पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, उसका रिव्यू किया है और उसको अपने चैनल पर मैंने अपलोड किया है। बाबा साहब ने अपने उस किताब में इस्लाम पर कड़ा प्रहार किया और बताया क्यों यही आतंकवादी बनते हैं, क्यों यही जिहादी बनते हैं, क्यों इस धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को जीने नहीं देना चाहते। जीडी बख्शी, इनकी इनकी रेंज में आपने तारिक पीरजादा क्या क्या बोला, कौन कौन सी जगह आपकी रेंज के अंदर है? हैदराबाद, सोमनाथ और दिल्ली। अहमदाबाद, सोमनाथ और दिल्ली, आपकी नियत इसी बनाता है कि सोमनाथ आप सोमनाथ पे हमला करना चाहते हैं। जीडी बख्शी फ्रॉम इंडियन साइड विल रिप्लाई, देन मोना आलम। जीडी बख्शी, देखिए मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है और सबसे बड़ी हैरत की बात है कि ये ह्यूमन राइट्स की जो यूएन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में अपनी रोदालीपन लेके गया है। ये जरा अपने गरेबान में झांके, पीरजादा साहब अपने गरेबान में झांके, जो कत्लोगारत आपने बलूचिस्तान में किया है, जो कत्लोगारत आपने मुहाजिरों के साथ किया है, जो कत्लोगारत आपने सिंधियों के साथ किया है, जो गिलगित बाल्टिस्तान के शिया हैं उनका क्या हाल किया है आपने, जो अहमदिया हैं उनको कैसे तशद्दुद दी है आपने, ये सारे 100 चूहे खाके ये बिल्ली गई है हज करने। आप किसको बता रहे हैं साहब? आप अपने पीओके में जो कल नारे लग रहे थे आपने सुने? पीरजादा साहब आज आप बड़ी रंगीन शर्ट डाल के आए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने सुने वो वहाँ जो नारे जो कल लग रहे थे कि ये जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये नारे लग रहे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है साहब, जो कि हमारा है, जो कि हमारा है। पीरजादा साहब आप जरा शांत, पीरजादा यही आपकी तकलीफ है, पीरजादा मैं माफी के साथ बोलता हूँ, यही आपकी तकलीफ है, आपको ऑर्डर डाउन करना पड़ेगा। आप काला चश्मा डाल के आज आए हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप बड़े यंग लग रहे हैं आज, लेकिन मैं आपको बता दूं साहब, आपका जो फरेब है, जो झूठ है वो पकड़ा गया है। आपके शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया को वहां भेजो, अरे साहब आपने इंटरनेशनल मीडिया को बलूचिस्तान में बुलाया है, आपने कराची में बुलाया है, आपने गिलगित बाल्टिस्तान में बुलाया है ना, पहले वहां बुला लीजिए, फिर आप काले चश्मे डाल के इंटरनेशनल मीडिया से बात करना। बड़ी अच्छी लग रही है आपकी आज जो रंगीन जो आपकी कमीज आपने डाल रखी है। तो हैदराबाद, सोमनाथ, दिल्ली, मोदी, ये 4 चीजें हमारे टारगेट पे हैं इस वक्त। अरे आप सपना देख रहे हैं क्या पीरजादा साहब? तारिक पीरजादा सपना देखते हो क्या? खो देना सपना और रात का पीरजादा साहब दिखाऊंगा, सुन लो जरा, अपना मुल्क मत खो देना। सोमनाथ की तो बात नहीं करो, कुछ नहीं है सोमनाथ की बात नहीं करो, कश्मीर के बच्चों का आपको बता रहा हूँ, शर्म करो, 71 की बात कर लो, जब आपका मुल्क 2 टुकड़े हुआ था, पिछली बार तो 2 टुकड़े हुआ था पीरजादा साहब, इस बार आपने ज्यादा चुनौती दिखाई ना, ये बयान दिया है, आप शर्ट पहन के बहुत एक्साइटेड हो रहे लग रहा है, कश्मीरियों आप वो रंगीन शर्ट डाल के बड़े एक्साइटेड हो रहे लग रहा है। तारिक भी ज्यादा, तारिक भी ज्यादा, आपकी दिक्कत है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप तारिक भी ज्यादा, मुझे आप माफ करिए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मैं निवेदन नहीं करता हूँ तारिक भी ज्यादा, आप चुप ही नहीं, तेरे को आपका जो मुल्क है वो 4 टुकड़ों में बटेगा इस बार, पिछली बार 2 हुए थे ना, आपके पिछली बार 2 हुए थे, तबियत नहीं भरी, कैन वी पुट डाउन इज ऑडियो, अभी 4 टुकड़े हो गए, आप जरा देखते जाइए। ओके मोना आलम, मोना आलम का मैं रुख करता हूँ। देखिए साहब आपको रोना धोना है, रुदाली करनी है, अपने मुल्क में करिए, ठीक है, आपने सीमा पार करी, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी, पीरजादा यू विल पे अ प्राइस, यू विल पे अ प्राइस। अगर आप सोच रहे हैं ये 13वीं सदी है, यू आर स्लाइटली बिहाइंड टाइम्स, यू आर स्लाइटली बिहाइंड टाइम्स, मैं बता दूं से अलहदा कर देंगे, ये जो रंगीन शर्ट अल्ट है ना, हाँ, ये उतर जाएगी, आपका काला चश्मा भी उतर जाएगा सर। नहीं, तारिक पीरजादा, तारिक पीरजादा, ये भद्रता नहीं है, ये भद्रता है, तारिक पीरजादा, तारिक पीरजादा, ये भद्रता है, बदतमीजी की एक सीमा होती है, किसकी गर्दन आप अलग करेंगे,
किसकी गर्दन आप अलग करेंगे? आपने सोमनाथ की बात करी, आपने नरेंद्र मोदी की बात करी, आपने दिल्ली की बात करी, आपने जी डी बख्शी की गर्दन अलग करने की बात करी। आगे उस गर्दन के बारे में सोचिए जो गर्दन आपकी है ही नहीं कभी। अरे बंगाल क्या हुआ? आपने बंगाली मुसलमानों के साथ क्या कुछ किया? टीपू सुल्तान के वारिस हैं, टीपू सुल्तान के वारिस हैं, तो टीपू सुल्तान को घर पर रखिए अपने। हम महमूद गजनवी के वारिस हैं, हमारी गर्दन बहुत ऊंची है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो लूटने वाले हैं उनके वारिस हैं, के वारिस नहीं है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वारिस हैं, हम भगवान कृष्ण के वारिस हैं, हम भगवान शंकर के वारिस हैं, इसलिए हमारी सोच ऐसी है। आप लुटेरों के वारिस हैं, इसलिए आपकी सोच वैसी है। आपके लिए बाबर महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए मोहम्मद गजनवी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम महत्वपूर्ण है, हमारे लिए मोहम्मद महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भगवान शंकर महत्वपूर्ण, आपके लिए लुटेरे महत्वपूर्ण है। आपकी नियत लुटेरी है, आप खुद इसी मानसिकता के हैं। ये अफसानों के नाम है। अफसाना तो एक और है, भूल गए? 71 वाला अफसाना, 99 वाला अफसाना, और अभी बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला अफसाना। अफसाने तो कई हैं तारिक मीरजादा साहब, किस किस अफसाने के बारे में सुनिएगा, किस किस अफसाने के बारे में सुनिएगा, बताइए ना, किस किस अफसाने के बारे में सुनना चाहते हैं? अफसाने तो कई हैं, अफसाना तो बलदेव सिंह भी है जो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जानी चाहिए थी बलदेव जी, लोगों ने सही फैसले नहीं किए। बलदेव जी की लाश और उसके टुकड़े करके तुम्हारे बॉर्डर के पास। अफसाने तो कई हैं पीरजादा, अफसाने तो कई हैं जो सुनाए जाएंगे और आप सुनेंगे और तसल्ली बख्श सुनेंगे। आज हिंदुस्तान की तरफ से अफसाने सुनाए जाएंगे और मैं आपको बोल रहा हूं तारिक पीरजादा, आज आपको मैं बोल रहा हूं कि एक एक अफसाना सुनिए, सुन के जाइएगा, एक एक अफसाना सुन के जाइएगा, हर एक अफसाना आपको सुनाया जाएगा। ये तेरे और तेरे कुल को महंगा पड़ेगा, तू भी देख रहे हो ना, चुप कराइए, अबे तू भी देख ना रहे हो ना, तेरे को तेरे पास महंगा पड़ेगा। अमीर जी कुछ तभी सीख ली होती अपने साथ बैठी बैठी, हम बदला लेंगे। बदतमीज आदमी, वाहियात कश्मीर आजाद हो गया। तारिक पीरजादा, ये हमारी गैरत है, हम आपको बचाने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन आपने भगवान सोमनाथ का नाम लिया कैसे कि हमारे टारगेट पर है? अरे भगवान सोमनाथ के अगर टारगेट पे आ गए, आप लोग आ गए तो निस्तनाबूत हो जाएंगे। सोमनाथ की बात करते हैं, सोमनाथ तेरे को याद आया आज? हाँ, और गजनवी मिसाइल तैयार है, पूजा की जगह है सोमनाथ। बदतमीज, अरे बदतमीज तो तुम लोग हो जो खून भी पीते हो और झूठ भी बोलते हो कश्मीरियों का। बदतमीज इंसान तेरे को काला चश्मा, काला चश्मा डाल दिया तो आज सोमनाथ की बातें कर रहा है। तेरे से पहले तेरे पहले तेरे मुल्क के दो टुकड़े किए हुए हैं हमने। ओके, जरा इस सदी में आ जा, सातवीं सदी में मत रहे, तेरहवीं में मत जा, इक्कीसवीं में ना आ जा। अरे इनकी तेरहवीं हो चुकी है, इस मुल्क की तेरहवीं हो चुकी है। मेरे को ये शब्द कहने नहीं चाहिए लेकिन मजबूर कर दिया इन्होंने ये कहने के लिए। इनके मुल्क की तेरहवीं हो चुकी है। कश्मीरियों के सोमनाथ भगवान की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की गर्दन की बात करते हैं। अरे वो नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी तो वो आपके लिए कार बनकर आया है जो इतिहास में आपने नहीं सोचा था। इनको चुप करा लीजिए, चिल्लाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, डरे वो हुए। वाहियात आदमी, बदतमीज जाइए, इसको हटाओ इस प्रोग्राम से। मुझे वाहियात कहते रहो हमेश, इसको प्रोग्राम से हटाओ, ये वाहियात आदमी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि भारत ने एग्रेशन किया है। आप कायदे की डिबेट करिए, आपको बहस करने का स्तर नहीं है आपका। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं मोना आलम का रुख करता हूं, अब आप रुकिए। मोना आलम, तेरा सोमनाथ कहने का क्या मतलब था? नहीं तू सारा समझा मेरे को, तेरा सोमनाथ कहने का क्या मतलब था? व्हाट डू यू मीन? मेरा कहने का मतलब है, एक बार फिर सोमनाथ की तरफ आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, हैदराबाद की तरफ आ रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा आ जाओ, एक बार ही आ ही जाओ इस दफा, पहले दो तीन बार आया, हॉस्टल देखा है,
एक सेकंड मैं इंडियन साइड करूं, कटता हूं, मुझे इंडियन साइड करूं, मोना आलम मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा अगले दो मिनट में आऊंगा आपके पास इसी टेलीविजन के ऊपर। रुकिए तारीख कोई ज्यादा हुआ आपका, अफसाना सुनाता हूं मैं आपको, बलदेव चंबल अफसाना सुनाता हूं अभी देर के अंदर। वो हमें जंग की तरफ गौरव भाटिया 30 सेकंड हुए, इसका सोमनाथ बोलने का क्या मतलब है? ये बदतमीज आदमी है, तू सिविलियन है, इसका मतलब है हमला। देखिए ये अनिल जी, मैं बोलूं अपनी बात प्लीज, अपने फौजी आगे ये जो पीरजादा है हमला, ये नफरत के मसीहा है। अमीर जी एक मिनट में अपनी बात रख लूं। नहीं ओके, एक सेकंड मैं गौरव भाटिया को मैं अभी सबक सिखाता हूं। गौरव भाटिया